नमस्कार, स्वागत है आपका। ये है इंडिया में आपके साथ, मैं हूँ पारुल त्यागी। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं संकट पर सियासत भी जमकर फूल रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। संकट के इस दौर में जहां राजनेताओं से जनता सहयोग की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं कुछ राजनेता घरों में बैठकर ट्वीट का खेला खेल रहे हैं। ये है इंडिया में आज चिट्ठा, सब लोगों का खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उनकी शिक्षा की कर लेते हैं। जो सपने तो प्रधानमंत्री बनने के देखते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी से ऐसा लगता है कि अगर स्टेट भी उनके हाथ में दे दिया जाए तो वो शायद ही संभाल पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में पढ़ा लिखा होना जरूरी है? अगर जरूरी है तो इन नेताओं की पढ़ाई लिखाई क्या है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी करीब 136 साल पुराने कांग्रेस पार्टी के 49वें अध्यक्ष रहे। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की, फिर देहरादून के दून स्कूल से पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1989 में राहुल ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया। 1991 से 1994 तक रॉलिंस कॉलेज में पढ़ाई की और आर्ट्स से ग्रेजुएशन पास किया। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एमफिल की। 2004 में राजनीति में एंट्री ली। मई 2004 में अपने पिता राजीव गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से जीते। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे होकर भी संकट के समय में जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के समय में जनता बहुत खुश थी। जबकि कांग्रेस का घोटालों से दामन चोली का साथ रहा है। कांग्रेस का पिछले कई साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सिवाय घोटालेबाजी के कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन ट्वीट पर विचलित करने वाली तस्वीरें डालकर लगातार सियासी तमाशा कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़े होकर कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए। राहुल गांधी तो कोरोना महामारी से देश में बिगड़ते हालातों को लेकर बहुत पहले से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। उन्होंने तो भारत को मिल रही विदेशी मदद को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। ट्वीट में कह दिया, विदेशी सहायता प्राप्त करने पर भारत सरकार को बार बार छाती ठोकना दयनीय है। यदि भारत सरकार ने अपना काम ठीक से किया होता तो हमें ऐसा ना करना पड़ता। ऐसे में अब अंदाजा लगाइए कि संकट की इस घड़ी में इस तरह की राजनीति कितनी जायज है। पूरा विपक्ष सरकार को महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज करने में पूरी तरह से विफल करार दे रहा है, जबकि संकट के समय में इंडिया को दुनिया भर के तमाम देश सहयोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को देखिए, उन्हें संकट पर सियासत करने से फुर्सत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, उनकी जुबान भी आजकल जमकर ट्वीट पर सवार है और लगातार सरकार को नाकामी और अहंकार का दर्जा दे रहे हैं। चलिए अब पहले ये कितने पढ़े लिखे हैं ये भी जान लेते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, स्कूली पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की, मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री ली। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री से संतुष्ट नहीं हुए तो पर्यावरण में अपनी पढ़ाई को विस्तृत रूप देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़े। ये वही अखिलेश यादव है जो कभी ये कहते थे कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का व्यक्ति नहीं लगवाते। लेकिन रिश्तेदारों को देखिए, टीका लगवाने में जरा भी पीछे नहीं रहे। इटावा के रहने वाले मुलायम सिंह के इकलौते बहनोई है, उन्होंने अपनी पत्नी कमला सिंह के साथ 9 मार्च को कोरोना का टीका लगवाया। जबकि अखिलेश के चाचा शिवपाल भी कह चुके हैं कि कोरोना का टीका जरूर लगवाए। ये है इंडिया में। अब बात दिल्ली की राजनीति पर भी कर लेते हैं। दिल्ली सरकार भी कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद ने पहले प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण की और पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही दिल की बात मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी।
1993 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए, लेकिन 3 बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए। अन्ना की आंधी से राजपथ तक पहुंचे केजरीवाल का दो टूक कहना है कि देश में दूसरी कंपनियां भी टीका बनाएं। अब सोचिए जरा, संकट के समय में जब प्रदेश के मुखिया ऐसी सफाई देते हों तो जनता फिर ऐसे फैसले क्यों ना ले। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टूलकिट जैसे चीजों का इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया पर बकायदा इसे बढ़ावा देना सिर्फ वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरी तरह से गलत है, लेकिन विपक्ष के पास शायद कुछ और बचा ही नहीं है, इसीलिए ये सब एक एक कर ओछी राजनीति कर रहे हैं। वैसे इस कड़ी में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, खुद बीजेपी के भी नेता ऐसे हैं जो बेतुका बयान देते हैं। अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही ले लीजिए। चलिए पहले उनकी एजुकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिरला कैंपस से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की। 1979 में RSS ज्वाइन किया। 1993 में बीजेपी में शामिल हुए। 18 मार्च 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा ना कर सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस कोरोना काल में ऐसा बयान दिया जो निंदनीय था। ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दरअसल रावत ने कोरोना वायरस को प्राणी बताया और कहा उसे भी जीने का अधिकार है। हालांकि उनका आशय कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर था, लेकिन पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। कांग्रेस परिवार हो या अखिलेश परिवार, या फिर हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या खुद बीजेपी के नेता, मैं पारुल पूरी टीम के साथ अपने खास प्रोग्राम ये है इंडिया के माध्यम से आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। हो सकता है आपको ये सुझाव कुछ गलत भी लगे, लेकिन देश की जनता मर रही है, ऐसे में उनकी मौत पर राजनीति का ये घिनौना खेल खेलना बंद कीजिए। अगर करना है तो जनता की मदद करिए जिसकी सांसें ऑक्सीजन में अटकी पड़ी हैं। आपकी इस तरह की बयानबाजी दिखाना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, संकट की इस घड़ी में आप जैसे नेताओं को बेनकाब करना भी बहुत जरूरी है और मजबूरी है, क्योंकि राजनीति करने का भी वक्त नहीं है साहब। इसी बीच में अगर किसी राजनेता ने सूझबूझ का अगर मौका दिया है तो वो है यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जिन्होंने टीके का टीका टिप्पणी न करते हुए अपने पार्टी को टीके के लिए जागरूक किया और केंद्र सरकार के साथ एकजुट होने की राष्ट्रीय भावना दिखाई। इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है उसके तहत ही आज मैंने यहाँ आकर टीका लगवाया है केंद्र। लेकिन इसके साथ ही यह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व राज्य सरकारों से मेरी पुनः अपील या अनुरोध है कि वह गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। ये बात मैं बार बार कहती रही, इस बात को आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। इसके साथ ही देश की जनता से भी मेरी ये पुरजोर अपील है कि वे कोरोना नियमों का सही से अनुपालन करें तथा टीका संबंधी सरकारी दावों आदि से इनकार न करके टीकाकरण का लाभ उठाएं। वर्तमान समय में यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है। ये है इंडिया में आज के लिए। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।